दोस्तों, हमारे रोज़मर्रा की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरत बन चुकी है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ऑक्सीजन इत्यादि। मगर एक और चीज़ जिसका हम इस्तेमाल तो करते हैं मगर इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते और ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दवाइयों की। दोस्तों, दवाइयाँ तो हम सब ने कभी ना कभी जीवन में ली ही होगी, मगर कभी ये नहीं सोचा कि ये दवाई उस रोग को कैसे ठीक कर देती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक कॉमन दवाई पैरासीटामोल किस तरीके से बुखार को ठीक कर देती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मेडिसिनल लाइफ सीरीज की पहली वीडियो पैरासीटामोल के ऊपर। दोस्तों, कई बार बुखार आता है और बुखार ठीक करने के लिए हम ये नीले पत्ते की गोली, जी हाँ, यानी कि पैरासीटामोल को लेते हैं। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये पैरासीटामोल कैसे जादुई तरीके से बुखार को ठीक कर देती है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, पैरासीटामोल एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग है, जिसे हम एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे ब्रेन के CNS पार्ट पर एक्ट करता है और ये एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक, यानी कि बुखार और सरदर्द में काम आता है। आइए जानते हैं कि हमें बुखार कैसे आता है। जब कभी भी हमारे शरीर में पायरोजेनिक बैक्टीरिया प्रवेश करता है, तब इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस के थ्रू एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 यानी कि PGE2 इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारे दिमाग के एक अहम हिस्से हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और उसे ही हम फीवर यानी कि बुखार कहते हैं। अब जानते हैं कि पैरासीटामोल कैसे काम करती है। जब पैरासीटामोल की टैबलेट हमारे पेट में आती है, उसके बाद वो SCL के कॉन्टैक्ट में आने के बाद छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है, जिसे हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो और भी ज़्यादा छोटे छोटे हिस्सों में टूटती है और मॉलिकुलर लेवल पे डिसॉल्व होती है, जिसे हम डिजोल्यूशन कहते हैं। पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट की वजह से जब ये हमारा एसिडिक मीडिया, जिसमें कि हमारी पैरासीटामोल ड्रग डिजोल्यूट फॉर्म में है, जब यह स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में प्रवेश करती है, तो उसके सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने के साथ साथ ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती रहती है और एब्जॉर्ब होने के साथ साथ ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुँचती जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये ड्रग हमारे लीवर में प्रवेश करती है। लीवर में प्रवेश करने के साथ साथ इसका कुछ हिस्सा मेटाबोलाइज हो जाता है और बचा हुआ हिस्सा हमारे शरीर के मेन ऑर्गन हार्ट के थ्रू सर्कुलेट होकर बॉडी के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाता है, जहां से ये ड्रग अब अपना असर दिखाना शुरू करेगी। हमारे शरीर में एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे कि हम अरेकिडोनिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो कि ब्रेन, लीवर, मसल्स और बॉडी सेल्स में पाया जाता है, वो एक साइक्लोऑक्सीजिनेज यानी कि COX एंजाइम की मदद से प्रोस्टाग्लैंडिन G2 यानी PGG2 में कन्वर्ट होता है, जहाँ ये PGG2 PGH2 में कन्वर्ट होकर PGE2, PGI2 और TXA2 को प्रोड्यूस करता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि PGE2 एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, जो हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करने के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। यहीं पर पैरासीटामोल अपना असली खेल खेलना शुरू करता है। पैरासीटामोल डायरेक्टली COX एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से PGG2 PGH2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता और PGH2 PGE2 को नहीं बना पाता, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस भी ट्रिगर नहीं होगा और हमें फीवर भी नहीं है। तो इसी तरह से पैरासीटामोल अपना काम करना शुरू करता है और यही है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलिए जानते हैं पैरासीटामोल से जुड़ी कुछ और ज़रूरी बातें। पैरासीटामोल के मार्केटेड फॉर्मुलेशन या मार्केटेड प्रोडक्ट 150 mg, 250 mg, 500 mg, 650 mg और 1000 mg में अवेलेबल है। मार्केट में ये टैबलेट, कैपलेट, सस्पेंशन, IV इन्फ्यूज़न और ड्रॉपलेट फॉर्म में
अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि पैरासीटामोल की कितनी क्वांटिटी सेफ है। 24 घंटे में 4 ग्राम सुरक्षित है, अन्यथा ये लीवर फेल कर सकती है। क्या इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है? अगर मेडिसिन में प्लेन पैरासीटामोल हो तो रिक्वायर्ड नहीं है, मगर अगर कोई भी प्रिस्क्राइब ड्रग जैसे कि ट्रामाडोल के साथ एक कॉम्बिनेशन में हो तो ज़रूरी है। अगर किसी भी मरीज को लीवर संबंधित रोग है तो पैरासीटामोल लेने से पहले उसे अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।